हेलो बच्चों, आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री फॉर बिगिनर्स, इसका मतलब यह है कि आज के मैं इस वीडियो लेक्चर में एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और किसी भी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो जरूर देखें। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है टेबल्स, फॉर्मूलाज एंड सॉल्व एग्जाम्पल, ये सारे कुछ बताऊंगा मैं। और ये तीन टॉपिक जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये तीनों कवर अप भी करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम हम लोग स्क्रीन पे लिख लेते हैं, डेट इज ट्रिग्नोमेट्री। और इसको कोई कोई बच्चे लोग ट्रिगो शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ट्रिगो। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक सीखने जा रहे हैं, डेट इज द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, काफी चीजें सीखेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, चलिए। तो एक रे लिया हमने, ठीक है, और ये पॉइंट को फिक्स कर दिया। अब इस रे को मूव करा के मैं इधर को लेके गया, तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं मैं, एक एंगल फॉर्म हुआ। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल। अगर अच्छा, ये लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलेंगे इनिशियल लाइन और इसको बोलेंगे टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन, गॉट इट? अब क्या है सेकंड सिचुएशन में, अब फिर से इनिशियल लाइन यही है और इस रे को मैं क्या कर रहा हूं, मूव करा के इधर को ले आया। तो अब देखो, ये एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉक तो ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज जब जा रहे हैं तो हमें जो डिग्री मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल, जैसे मान लो थीटा, ये डिग्री मान लो बना तो 60 डिग्री बोल दूंगा मैं, इसको बोलूंगा -60 डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इस एंगल को नापने के लिए या मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो है हमारे पास डिग्री और दूसरा है रेडियन। चलिए आइए देखते हैं इसको। तो ये जो डिग्री जो टर्म आप लोग जानते हो या सुने हो, ये आया कहाँ से एक्चुअली? तो एक्चुअली क्या है, हम लोग को पढ़ना पड़ेगा उसके लिए सेक्साडेसिमल सिस्टम। और इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अगर मैंने यहां पे लिख देता हूं, इफ द सेंट्रल एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट, यहां यहीं पे लिख देता हूं, each part in it is called 1 degree। ठीक है, जैसे मान लो सर्कल है, ठीक है, अगर मैंने इसको 360 इक्वल पार्ट में बांटा, ठीक है, 360 मैं लिख देता हूं, 360 इक्वल पार्ट में अगर बांटा तो इसका जो एक होता है ना, ईच पार्ट 1 डिग्री का होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1 डिग्री इक्वल्स टू रोटेशन ऑफ 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। क्लियर है? अगर इस डिग्री को फिर से
हम 60 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। क्या बोला मैंने फिर से? अगेन अगेन इफ 1 degree इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स, each part in it called 1 minute। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं 1 मिनट, एक डैश ऊपर लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया 1 मिनट। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1 degree किसके बराबर हो गया, 60 मिनट के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 degree = 60 मिनट। क्लियर है? अगर मैं 1 मिनट बोलू तो 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड के, तो डबल डैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो बॉक्स कर रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। 1 degree कैसे हुआ, इफ द सेंट्रल एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, 360 इक्वल पार्ट्स में ईच पार्ट इन इट इज कॉल्ड द 1 degree, ये 1 degree होगा। तो अगर फिर से 1 degree को, उसी 1 degree को मैं 60 इक्वल पार्ट्स में बोलूं, काटूं उसको, बांट दूं, इफ अगेन 1 degree इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इन इट इज कॉल्ड द 1 मिनट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग देखेंगे इसका सर्कुलर सिस्टम, दैट इज अ रेडियन मेजर। सेकंड जो हम लोग को देखना है वो देखना है सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजर। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। रेडियन, रेडियन is an angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। A radian of an angle subtended at the center of the circle, तो ये देखिए ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, और ऐसे करके मान लो सबटेंड किया है, तो ये आर, तो ये भी आर, और इस पार्ट को क्या बोलेंगे, यही पार्ट तो आर है हमारा, तो इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हो गया आपका एंगल थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब इस पे रिलेशन क्या निकलता है, अगर मान लो मुझे ये थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एल अपॉन आर। ठीक है, और इसी एंगल का जो एसआई यूनिट है उसको बोलते हैं रेडियन, एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। ठीक है, कैसे मैं बताता हूं, जैसे मान लो ये आपने 4 ले लिया, ये 4 ले लिया, 4 मीटर 4 मीटर, और ये हो गया 2 मीटर। ठीक है, तो अगर आपको थीटा निकालना है तो ये हो गया 2 मीटर अपॉन रेडियस क्या है, 4 मीटर, तो mm कट गया, तो 1/2 जो आया वो क्या आया, वो रेडियन में आएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ, एक सेकेंड इसको मैं नेक्स्ट उस पर लिखता हूं। अब क्या हमें देखना है, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क of a complete revolution
तो अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो वो सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ अभी, जैसे ये डायग्राम था, ठीक है, अगर मान लो यहाँ से हम लोग घूम करके फिर से हम लोग यहाँ आते हैं तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया, ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर हो गया। तो वही लिखा है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल टू द सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। ठीक है, अगर आर को हम लोगों ने 1 ले लिया, अगर रेडियस हमारा 1 हो गया तो ये क्या हो गया, 2π। ठीक है, लाइक कंप्लीट रेवोल्यूशन का क्या हो गया, 2π। क्लियर है? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सर अगर मान लीजिए हम लोग वहां पे क्या नाम है डिग्री मेजर जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे भी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो हो रहा था वो 360 डिग्री का हो रहा था, और यहाँ पे कंप्लीट रेवोल्यूशन जो हो रहा सर वो 2π के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार देखते हैं इधर से अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में। डिग्री मेजरमेंट और यहां लिखता हूं मैं रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। अब ये देखो, ये इनिशियल लाइन है, ये हमारा ये फिक्स पॉइंट था, तो इसको खींच करके इधर लिखे गए टर्मिनल लाइन, ये हो गया इनिशियल लाइन, ये हो गया टर्मिनल लाइन। ठीक है, तो इसको खींच करके इधर लेके गए तो मूव करा करके तो 180 डिग्री हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया इनिशियल लाइन, ठीक है, ये पॉइंट है, और ये आपका हो गया टर्मिनल लाइन, इनिशियल लाइन, ये हो गया टर्मिनल लाइन। इसको भी मूव करा के लेके गए, अगर रेडियन में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी स्ट्रेट एंगल बना, क्या बना, स्ट्रेट एंगल, तो किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। यहाँ पे क्या बना, स्ट्रेट एंगल बना, वो किसके बराबर हो गया, पाई रेडियन के बराबर हो गया। ठीक है, अब इस पाई रेडियन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, सरफेस के सी लगा दो, या आप सिंपली पाई भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोग ये एक चीज ये देख रहे हैं कि वहां पे जब कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा था तो वो क्या बना रहा था हमारा, 360 डिग्री डिग्री मेजर में, और ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा तो 2π बना रहा, तो देयरफॉर अगर मैं पाई की वैल्यू निकालू तो मैं बोल सकता हूँ कि 180 डिग्री पाई कुछ 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे क्या डिग्री का और रेडियन का, तो चलिए आइए देखते हैं ये रिलेशनशिप कैसे निकलेगा। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला कि 2π इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो पाई इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 डिग्री, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि ये पाई रेडियन है ना, तो अगर मैं बोलूं कि 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, 180 डिग्री अपॉन पाई कर दो। ठीक है, तो ये 1 रेडियन को हम लोग सिंबॉलिक तरीके से लिख लेते हैं, 180 डिग्री अपॉन पाई, अब इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख देता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, अगर मान लो फिर मुझे 1 डिग्री का निकालना हो तो फिर क्या करेंगे हम लोग, अगर मुझे 1 डिग्री का निकालना है तो अगर मान लो मैंने इस पे ऐसे कर दिया कि 1 डिग्री का मुझे निकालना है, तो इसको मैं और आसान तरीके से कैसे कर सकता हूँ, पाई को इधर भेज देता हूँ मैं, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री था,
तो अगर मैं 1 डिग्री का निकालने के लिए जाऊं तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180, 1 डिग्री निकालने जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 रेडियन का भी मेरे पास आ गया और 1 डिग्री का भी मेरे पास आ गया, ठीक है। अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो मैंने आपको 45 डिग्री दे दिया एग्जाम्पल, पहले 360 डिग्री देता हूँ मैं, जैसे मैंने 2π दे दिया, ये रेडियन में मैंने कन्वर्ट बोला करने के लिए उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या बोलोगे, सर 2π इंटू 180 बाई पाई कर दो, ठीक है। तो 180 बाई पाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो 180 इंटू 360 डिग्री आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने 90 डिग्री दे दिया, अब मैंने बोला इसको कन्वर्ट करो रेडियन पे, तो 90 है ना, तो उसका उल्टा कर दो, पाई अपॉन 180, ठीक है। तो पाई अपॉन 180 करो, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, पाई बाई। क्लियर है? और एग्जांपल देख लो, 180 डिग्री जैसे मैंने बोल दिया आपको 180 डिग्री, तो 180 इंटू पाई बाय 180 कर दो, तो 180 180 कैंसिल आउट हो गया, तो पाई आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ अच्छे वाले एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। बुक का कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद अच्छे एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, क्वेश्चन है आपका 25 डिग्री बोल रहा है, ठीक है। अब ये 25 डिग्री को बोल रहा है कि रेडियन मेजर में लेकर के आओ, तो ठीक है, तो रेडियन मेजर लिखो सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू क्या हो जाएगा, डिग्री मेजर, ठीक है। तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर हमारा इस फॉर्म टर्म को रख दो यहाँ पर, तो अब इसको कैंसिल आउट करते हैं हम लोग, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, आ गया 5π/36, ठीक है। ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, बट अगर क्वेश्चन इस तरीके से आपको दे दे, आपको दे दे -47°30', तो अभी आप लोगों को बता ही चुका हूं मैं कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट, ठीक है। चलिए आइए इस हिंट के साथ इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले माइनस साइन को तो आप बाहर ही रख दो, ठीक है। तो 47 डिग्री आपके पास क्या आ रहा है, 47 डिग्री 30 मिनट, तो इसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं 30 मिनट को। अब इस मिनट को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ डिग्री में, तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो गया, -47 डिग्री + 3 × 6, तो 1/2 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये दोनों डिग्री में आ गए, तो हम एलसीएम आराम से ले सकते हैं, 2 कैल्सियम ले लो, 94 डिग्री + 1, है ना। और इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, -95 डिग्री/2, ठीक है। अब क्या हुआ कि 95/2 तो आ गया मेरा डिग्री मेजर, बट क्वेश्चन में क्या बोला था आपको निकालना है रेडियन मेजर में, ठीक है। तो फिर से फॉर्मूला लिख दीजिए, रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर, तो हो गया पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर क्या है मेरे पास, -95/2, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा, कैंसिल आउट करते हैं हम लोग, हो गया 5 15 16 17 18 35, ठीक है। ये हो गया -19π/72 रेडियन,
ठीक है, डेट इज द फाइनल आंसर। तो सबसे पहले अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ रहा होगा कि सर आपने जो ये 47 डिग्री 30 मिनट को ये प्लस में क्यों लिख दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अगर मान लो ये चीज को तुम ऐड करो, या जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, जैसे मान लो 1 1/2 है, तो इसको हम लोग कैसे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, 2 1 2 + 1 3 3/2, और यही 1 + 1/2 कर दो तो क्या आ रहा है, 2 LCM लेंगे, 2 1 2 + 1 तो 3/2। तो आप तुम ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर तो मेरा 3/2 आ रहा है, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख ही सकता हूँ, तो मैंने इसी चीज को ऐसे लिखा है प्लस में, आया समझ में। जैसे 1 1/2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वही चीज को मैंने ऐसे करके लिखा है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका डिग्री था, मिनट में था, अब हम लोग ऐसे टर्म को पकड़ते हैं जो आपका मिनट एंड सेकेंड में कन्वर्ट करना है रहेगा फिर। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 11/16, आपको कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग रेडियन। तो इसका डिग्री मेजर निकालना है मुझे, कैसे निकालेंगे चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले रेडियन मेजर क्या हो जाएगा और डिग्री मेजर, तो अब फटाक से आपको क्या बोलना है यहाँ पे। अगर मान लो डिग्री मेजर आपको कोई बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है, और रेडियन में आपको दे रखा है, तो आप क्या करोगे, 11/16 × 180/π कर दोगे। तब ये पाई का वैल्यू क्या हो सकता है, 11/16 = 180π का वैल्यू 22/7, अब 7 ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, और जैसे 11 2 रह गया, फिर ये 90 गया है ना, फिर ये 45 जाएगा, फिर ये 8 जाएगा, क्लियर है। तो जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 315/8 आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है, अब मुझे है ना इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे चलिए ये देखते हैं। अब क्या करा मैंने, 315 को 8 से डिवाइड किया, तो ये 3 = 24, फिर यहाँ हो गया 75, फिर ये हो गया आपका 9, तो ये कितना हो गया 3। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 39 डिग्री + 3/8 डिग्री। ठीक है, अब इस डिग्री को मुझे मिनट में लेके जाना है, तो पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान देना, अब इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, मिनट से आ रहे थे हम लोग किस पे, डिग्री में, तो डिवाइड किए, अब डिग्री से मिनट में जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/8 × 60 कर देंगे। तो जब ये करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, और मिनट के लिए डैश बताया था आपको करना, तो 39 डिग्री + ये आपका हो गया, थोड़ा सा काट के छोटा कर देते हैं, 2 2 6 2 2 6 15, तो ये हो गया आपका 45/2, तो 45/2 मिनट। ठीक है, अभी 45 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 6 कैंसिल आउट 5, 2 2 6 इधर से आ गया 1। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो जरा ध्यान से, 39 डिग्री + अभी 45 को क्या ले सकते हैं हम लोग, 22 1/2 मिनट। तो अब इसको भी आगे फर्दर हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे जैसे अभी लिखते हुए आ रहे थे, 39 डिग्री + 22 मिनट + 1/2 मिनट। अभी मिनट को मुझे सेकेंड में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 22 मिनट + 1/2 × 60 करना पड़ेगा। तो जैसे ही करेंगे ये किस में आ जाएगा, सेकेंड में, तो ये 2 3 6 0, तो आ गया 39 डिग्री + 22 मिनट + 30 सेकेंड। अब तुम लोगों को बोले थे चाहे तुम प्लस में लिखो चाहे इसको ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30
ठीक है, दैट इज द फाइनल आंसर। तो आई होप सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से बताया आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक भी देखेंगे, सारी चीजें अच्छे से करेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।